हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमंत कुमार, योर आर्ट टीचर। टुडे वी विल लर्न फ्रूट स्टडी। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप की फ्रूट्स ड्रॉ करेंगे। सभी फ्रूट्स की शेप अलग अलग होती है, तो हमें ऑब्जर्व करना है कि किस फ्रूट्स की शेप किस तरह से होती है। तो हम लोग पहले चेरी की ड्राइंग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग दो कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद दो सर्कल शेप में ड्रॉ करेंगे। अब चेरी की भी दो लीफ ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने किस तरह किया। अब हम लोग एक वाटरमेलन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए दो कर्व लाइन, छोटी छोटी कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक ओवल शेप ड्रॉ करेंगे। ओवल शेप के अंदर वेव टाइप की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उसी तरह से आप लोग को भी ड्रॉ करनी है। हम लोग फ्रूट्स की कलरिंग बाद में करेंगे, पहले सारी फ्रूट्स की स्केचिंग कर लेते हैं। स्केचिंग में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, कोई भी स्केचिंग हम लोग अप से डाउन और लेफ्ट से राइट की ओर करेंगे। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि अप से डाउन करें तो हमारी कोई भी लाइन इरेज ना हो और नीट एंड क्लीन रहे। ऐसे डाउन से अप करने से हम लोगों की ड्राइंग मिट जाती है और ड्राइंग भी गंदी हो जाती है। ग्रैप्स हम लोग सारी गोल गोल करेंगे। ग्रैप्स अगर छोटी चपटी हो जाती है वो दिखने में अच्छी नहीं लगती है और इलास्टिक भी नहीं लगती है। हमें ग्रैप्स को गोल गोल सर्कल में ऐसे करनी है। उसके बाद हम लोग बनाना ड्रॉ करेंगे। तो बनाना सब एक जैसी नहीं होती, सब अलग अलग टाइप्स की होती है, तो आप ऑब्जर्व करके अच्छे से देख के बनाएंगे। अब नेक्स्ट ड्राइंग हमारी ऑरेंज की है। ऑरेंज के लिए हम लोग सर्कल शेप जैसी ड्रॉ कर लेनी है और उसके ऊपर टॉप में थोड़ी सी दो लाइन ड्रॉ करके वेव टाइप शेप ड्रॉ कर लेनी है और पॉइंटेड कर देनी है। अब पूरी ड्राइंग में हम लोग स्केच पेन से या फिर ब्लैक पेन से उसे आउटलाइन कर लेंगे। अब हम लोग सारी ड्राइंग में कलरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेरी को ड्रॉ करेंगे। उसकी जो ब्रांच है उसे हम लोग पहले लेमन येलो और आकर येलो से कलरिंग करेंगे। तो कोई भी हमें कलरिंग लाइट से डार्क की ओर कलर करनी है। स्लीप में हम लोग लेमन येलो यूज़ करेंगे, उसके बाद लाइट ग्रीन, उसके बाद डार्क ग्रीन। चेरी में हम लोग पहले पिंक कलर और उसके बाद रेड कलर यूज़ करेंगे। सारी ड्राइंग में हमें सेम प्रोसेस करनी है, लाइट से डार्क।
सारी ड्राइंग में हमारी जो लाइट सोर्स है वो सेंटर पे आ रही है, मतलब फ्रंट से आ रही है। तो हमें सारी ड्राइंग में बीच में हाईलाइट करनी है, यानी कि वहाँ पे वाइट रखनी है। वाइट जगह पे हम लोग वाइट स्पेस छोड़ देंगे, वहाँ कोई कलर वाइट कलर यूज़ नहीं करेंगे। तो क्रैप्स में मैंने बीच में हाईलाइट छोड़कर चारों तरफ लेमन येलो का यूज़ किया, उसके बाद लाइट ग्रीन, उसके बाद डार्क ग्रीन का यूज़ किया। वाटर मिलन में भी हमें सेम प्रोसेस करनी है जिस तरह से मैंने ग्राफ्स में किया। सबसे पहले लेमन येलो, फिर लाइट ग्रीन, फिर सेव ग्रीन का यूज़ किया। बनाना में कलर करेंगे, तो सबसे पहले लेमन येलो, फिर अक्र येलो, फिर ब्राउन का यूज़ करेंगे। अब ऑरेंज में हम लोग कलर करेंगे, तो ऑरेंज में हम लोग सबसे पहले लाइट ऑरेंज का यूज़ करेंगे, फिर डार्क ऑरेंज यूज़ करेंगे।
आई होप आप लोगों को ड्राइंग समझ आई हो और आशा करता हूँ आप लोग ये ड्राइंग अवश्य ट्राई करेंगे। थैंक यू।